हाय, प्लीज कम एंड कैंडल ऑफ नॉलेज। अस्सलामु अलैकुम माय डियर व्यूअर्स, मैं हूं रहीम और आप देख रहे हैं कैंडल ऑफ नॉलेज। माय डियर व्यूअर्स, आज हम सीखने वाले हैं काइंड ऑफ स्टेट, कि स्टेट की काइंड कौन कौन सी होती है, टाइप्स कौन कौन सी होती है, आज हम इसी वीडियो लेक्चर में जानने वाले हैं। सो ये हमारा आज का पहला वीडियो है काइंड ऑफ स्टेट की। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डेमोक्रेटिक स्टेट और इसके अलावा मोनार्किक स्टेट के बारे में जानेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशियल द मोस्ट मर्सीफुल, शुरू करता हूँ अल्लाह की बरकत नाम से जो नहायत रहमान एंड रहीम है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं डेमोक्रेटिक स्टेट की। दोस्तों डेमोक्रेटिक स्टेट क्या होता है, यहाँ पर डेफिनेशन के हवाले से हम समझ सकते हैं कि क्या होता है। तो क्या कहते हैं, कहते हैं कि इट इज फॉर्म, ये बनाया जाता है बाय पीपल, लोगों के जरिए, ऑफ द स्टेट, जो इस स्टेट की यानी कि जो स्टेट होता है उसके लोगों के जरिए ये बनाया जाता है डेमोक्रेटिक स्टेट जो होता है। हु इलेक्ट्स, जो मुंतखब करते हैं, अ मेंबर्स, जो नुमाइंदगान मुंतखब करते हैं, टू रन द बिजनेसेस ऑफ द स्टेट, जो क्या करें, जो स्टेट की बिजनेसेस जो काम होते हैं स्टेट के वो सर अंजाम दें, बाय वे ऑफ वोटिंग यानी कि वोटिंग के जरिए। तो दोस्तों ये होता है हमारे पास डेमोक्रेटिक स्टेट, जो स्टेट के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं मेंबर्स टू रन द स्टेट बिजनेस, जो स्टेट के जो हालात होते हैं, जो स्टेट के जो काम होते हैं वो चलाते हैं, ऑफ द स्टेट बाय वे ऑफ वोटिंग यानी कि वोटिंग के जरिए। तो दोस्तों ये होता है डेमोक्रेटिक स्टेट। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास इंडिया है, इसके अलावा पाकिस्तान है, इसके अलावा और भी इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे पास डेमोक्रेटिक स्टेट। इसके अलावा मोनार्किक स्टेट क्या होता है, कहते हैं कि इट इज़ फॉर्म, ये बनाया जाता है बाय द हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि ये बनाया जाता है हेड ऑफ द स्टेट, जो स्टेट का हेड होता है, जो स्टेट को चलाने वाला होता है, जो रूलर होता है, ये उसी के ज़रिए बनाया जाता है मोनार्किक स्टेट। और इसके अलावा क्या कहते हैं, कहते हैं हु नॉमिनेट, जो मुंतखब करता है, द न्यू हेड ऑफ द स्टेट, जो स्टेट का नए हेड मुंतखब करता है आफ्टर हेम, यानी कि उसके बाद, यानी कि इसमें ये रूलर होता है, वो दूसरा रूलर जब मुंतखब करता है उसके बाद आने वाला, तो वो क्या करता है, वो ही रूलर्स जो आने वाला रूलर होता है तो उसी को मुंतखब करता है। तो ये क्या होता है, मोनार्किक स्टेट होता है। तो दोस्तों ये है हमारे पास डेमोक्रेटिक स्टेट और ये होता है मोनार्किक स्टेट। तो दोस्तों अब मोनार्किक स्टेट के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, पहला एग्जांपल इसका है कतर, इसके अलावा सऊदी अरेबिया। दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि सऊदी अरेबिया या इसके अलावा कतर में वहाँ पर क्या है, शाही हुकुमरान होते हैं, वो यही करते हैं कि आने वाला रूलर जो होता है वो उसी को खुद मुंतखब करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे पास मोनार्किक स्टेट और ये है डेमोक्रेटिक स्टेट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है काइंड ऑफ स्टेट के हवाले से तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।